सुप्रभात बच्चों, आज का टॉपिक है वर्ण विचार। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वह है संयुक्त व्यंजन। बच्चों, संयुक्त का मतलब है दो वर्णों का मेल, अर्थात दो वर्णों के मेल से बना नया व्यंजन क्या कहलाता है बच्चों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा देखिए, जब दो अलग अलग व्यंजन के मिलने से एक नया व्यंजन बनता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया? जब दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से एक नया व्यंजन बनता है, उसे बच्चों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों, संयुक्त व्यंजन मुख्यतः चार है। कितने हैं? चार। छ, त्र, क्या, श। बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये वर्ण किन दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने हैं। ये वर्ण किन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं। पहले हम देखेंगे छ। बच्चों, छ किस अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है देखेंगे। का, खटकोण वाला खा, धन आ, बराबर क्या बन गया? छ। आपका छ व्यंजन बन गया। बच्चों, अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब है कि वह व्यंजन आधा है, और हमने स्वर जोड़ दिया तो व्यंजन क्या हो गया? पूर्ण हो गया। दोनों व्यंजनों के मिलाने से कौन सा नया व्यंजन बन गया? छ। और ये पूर्ण व्यंजन कैसे हो गए? क्योंकि हमने स्वर को जोड़ दिया। बच्चों, पहले भी हमने आपको बताया है कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अधूरे व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए हमने किसको जोड़ा? स्वर को। स्वर कौन सा है? छोटा। समझ में आ गया बच्चों? और इसमें नया शब्द छ से क्या बनाया? छ से छत्री। क्लियर? अब बच्चों, त्र से त्रिशूल में ता हलंत, धन रा हलंत, रा के नीचे धन आ, बराबर क्या बन गया? त्र से त्रिशूल। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि हलंत का मतलब है ता भी आधा है और रा भी आधा है, और हमने आ को छोटा, स्वर को जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया? पूर्ण हो गया। और कौन सा व्यंजन बन गया? त्र से त्रिशूल। समझ में आ गया बच्चों? जबकि स्वर को बोलने के लिए, स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है। समझ में आ गया बच्चों? आप देखिए, ज्ञा से ज्ञानी किन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है? जा, धन आ, और धन छोटा आ स्वर। दोनों के नीचे, जा के नीचे हलंत है और इया के नीचे भी हलंत है। हलंत का मतलब आपको समझ में आ गया है, और छोटा स्वर है, इसका भी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। छोटा स्वर है और स्वर को हमने जोड़ दिया तो व्यंजन पूर्ण हो गए, और व्यंजन पूर्ण हो जाने के कारण नया स्वर व्यंजन आपका बन गया ज्ञा से ज्ञानी, और ज्ञा से ज्ञानी से हमने शब्द बनाया ज्ञा से बनाया ज्ञा सॉरी ज्ञा से हमने शब्द बनाया ज्ञा से ज्ञानी। अब आइए सरा श, श, धन रा, धन आ। बच्चों, सा, श के नीचे भी हलंत है, रा के नीचे भी हलंत है, और छोटा स्वर है, स्वर को जोड़कर हमने अपूर्ण व्यंजनों को पूर्ण किया और हमने नया व्यंजन आपका बनाया श। ठीक है, दो व्यंजनों के मेल से बन गया श, और शब्द बना श से श्रमिक। समझ में आ गया बच्चों संयुक्त व्यंजन के बारे में? अब आइए द्वित व्यंजन। द्वित का मतलब क्या है? दो। द्वित का मतलब क्या है? दो। जब एक वर्ण, एक ही मतलब वर्ण, एक शब्द में कितने बार आता है? दो बार। कितने बार आता है? दो बार। तो ऐसा व्यंजन कैसा, ऐसा व्यंजन क्या कहलाता है? द्वित व्यंजन। क्या कहलाता है? द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे है पक्का। बच्चों, का, धन का, पहले वाले का के नीचे हलंत है, इसका मतलब क्या है? कि आधा का है। क्या बन गया? कक।
का क्या है आपका द्वित व्यंजन? चम्मच, मा, मा के नीचे हलंत है, धन मा बराबर म, ये आपका क्या हुआ द्वित व्यंजन। बच्चों संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब हम लोग आयोग वाह के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों आयोग वाह, बच्चों आयोग वाह क्या होता है पहले हम लोग ये देखेंगे। आयोग वाह क्या होता है बच्चों? वे वर्ण जिनकी गिनती, जिनकी गिनती ना तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में की जाती है। ऐसे आयोग वाह कैसे वर्ण होते हैं जिनकी गिनती ना तो स्वरों में ना व्यंजनों में की जाती है उन्हें आयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें आयोग वाह कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ये ना स्वर होते हैं, इनकी गिनती ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है। ऐसे वर्ण आयोग वाह कहलाते हैं या कहते हैं। क्लियर बच्चों? आयोग वाह वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? अंग, आ और आहा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों आयोग वाह के अंतर्गत जो ध्वनियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं। आयोग वाह के अंतर्गत जो ध्वनियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली ध्वनि कौन सी है? नंबर एक, आयोग वाह के अंतर्गत जो ध्वनियां आती हैं वाह के अंतर्गत आने वाली ध्वनियां, कौन कौन सी हैं बच्चों? नंबर एक अनुस्वार, नंबर दो विसर्ग, नंबर तीन अनुनासिक। कौन सी हैं? अनुनासिक। ठीक है बच्चों, आयोग वाह के अंतर्गत तीन ध्वनियां आती हैं। कौन कौन सी? अनुस्वार, अनुस्वार विसर्ग, अनुनासिक। अब बच्चों पहले अनुस्वार अनुस्वार की परिभाषा जानते हैं कि इसमें क्या होता है। अनुस्वार बच्चों अनुमानसिक क्या होता है? अनुसरण। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती, कहां से निकलती है? केवल नाक से निकलती है, उसे बच्चों अनुस्वार कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, उसे बच्चों अनुसार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह बच्चों क्या होता है? इसका चिन्ह केवल बिंदी है। इसका चिन्ह क्या है? इसका
चिन्ह केवल बिंदी है, केवल बिंदी है, इस तरह की बिंदी। ठीक है बच्चों, जैसे अब जैसे देखिए, जैसे है गंगा, डंडा, हंस। बच्चों इन सब शब्द में जो आपको बिंदी दिख रही है, इन शब्दों के ऊपर जो चिन्ह लगा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंग की मात्रा। किसकी कहते हैं? अंग की मात्रा या अनुसार। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आइए विसर्ग। विसर्ग, अब विसर्ग की परिभाषा देखिए क्या है बच्चों। जिस अयोग वा ध्वनि का उच्चारण हा के समान किया जाता है, जिस अयोग वाह मतलब जिसका उच्चारण करते समय कैसी ध्वनि निकलती है, हा की ध्वनि बाद में निकलती है, वो कौन सा, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जिस अयोग वा ध्वनि का उच्चारण चारण हा के समान, हा के समान किया जाता है उसे, हा के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं, उसे विसर्ग विसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे है प्रातः, प्रातः। अब आपको दो बिंदी बात में दिख रही हैं, ये किसका चिन्ह है, ये किसकी, इसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? विसर्ग का। प्रातः, हा आपको, हा की उच्चारण आपका अयोगवा में किसकी ध्वनि निकल रही है, उच्चारण कैसा हो रहा, हा के समान, इसलिए किसकी किसका किसका चिन्ह है? विसर्ग का। अतः, अतः इत्यादि। समझ में आ गया बच्चों? अब आइए अनुनासिक। अनुनासिक बच्चों, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से, दोनों से, दोनों से निकलती है, निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे अनुनासिक कहते हैं। नासिक मतलब नाक, अनुनासिक कहते हैं बच्चों। इसका चिन्ह क्या है? चंद्रबिंदु। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु है। समझ में आ गया बच्चों? जैसे गांव, गांव, चांद। बच्चों इन शब्दों के ऊपर जो चिन्ह लगा है वह चंद्र बिंदु है। धन्यवाद बच्चों।